पेशावर तक सात काका का तो नाम चल रहा है, सात काका सर्व सर्वे वाले। चाबी मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग इसे करती है। ये वीगो डाले के जनरेटर है, प्राडो के जनरेटर है। ये हमारी खरीद अपनी ये तकरीबन 16 से 17 हजार रुपए की है। ये गाय को हम दे देते हैं 18 हजार। ये कोड़े का सलफ है, इसकी फिटिंग अलहदा है। ये निशान का सलफ है, इसकी फिटिंग अलहदा है। बाहर जापान से माल आता है, कंटेनर आते हैं, दुबई में आते हैं, कराची में कंटेनर खुलते हैं हमारे। तो साजी कितने अरसे तू काम कर रहे हो? तकरीबन हो गए 40-45 साल हो गए। ये बैटरी को चार्जिंग करता है, पूरी गाड़ी के जो लाइटें हर चीज इसी के सर पे है। ये सलफ है, ये गाड़ी स्टार्ट करता है, ये जनरेटर है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये नुक्स होता है ना वो बताते हैं। ये मेहरान वगैरह के जनरेटर हैं ये सारे। माशाल्लाह आपको पेशावर से सुना है काके का नाम। यस, 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 यस। और मेरे तकरीबन जितने दोस्त हैं, जितने इस रिलेटेड हैं इस काम से, वो सारे ये कहते हैं नहीं यार काका काका ही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं माइक वाली सरकार। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं बलालगंज लाहौर में, जो कि दाता दरबार की बैक साइड पे है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद काका की दुकान पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है सेल्फ जनरेटर, जो उनकी प्रोडक्ट है गाड़ियों की, उसके ऊपर। ये वो चीज़ है जिसके बगैर गाड़ी सेल्फ लेती ही नहीं है। अगर ये ठीक होगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ गाड़ी नहीं चलेगी। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जैन भाई, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा कि ये क्या प्रोडक्ट है और इसकी ये काम किस तरह करती है। ये गाड़ी का सेल्फ है, इसके बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है। इसके बगैर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। और ये जनरेटर है। अच्छा, ये बैटरी को चार्जिंग करता है, पूरी गाड़ी के जो लाइटें हर चीज इसी के सर पे है। अच्छा, ये लेदर है, वो लेदर है जी। ये सलफ है, ये गाड़ी स्टार्ट करता है, ये जनरेटर है, यानी जिसे हम चाबी घुमाते हैं जी। जी, चाबी स्विच लेदर है, लेकिन जब चाबी मारते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग इसे करती है। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ जी। ये देखें जी, सेल्फ गाड़ी जब स्टार्ट होती है, स्टार्टर है, सेल्फ स्टार्टर है जी। ये कौन सी गाड़ी का है? ये शिराड का है। तो ये कितने का मिल जाएगा आपसे? ये आपको मिल जाएगा 4000। तो अगर कंपनी से लेना हो, मार्केट से लेना हो, तो वो कितने का मिल जाएगा? वो तकरीबन 40-45 हजार से। 40-45 हजार रुपए का? जी। क्या हो गया आपको? हाँ जी भाई, वो कंपनी वाले दो महीने रखवाएंगे भी आपको, गाड़ी बंद भी रखवाएंगे आपकी, फिर 2 महीने बाद मिलेगा आपको। 2 महीने बाद मिलेगा, क्यों? उसकी क्या वजह है? वो स्पेशल तैयार करके भेजते? स्पेशल तैयार करके नहीं, उन्होंने पीछे से कंपनी से मंगवाना होता है। कंपनी यानी जापान से? हाँ जी। ये जापानी है? जी जापानी। यहाँ पे देखे नाज़रीन, बलालगंज से लेंगे तो 4000 रुपये का। अगर आप कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी 2-3 महीने का टाइम देगी और डॉलर्स में पैसे लेगी जी, ऐसे ही। और 40,000 से 50,000 के दरमियान मिलेगा ये बकरे सर। तो दूसरा, और आपके पास तमाम गाड़ियों का सेल्फ जनरेटर है? हर गाड़ी मेहरान से लेके BMW तक, हर गाड़ी का मिलेगा। मेहरान से लेके BMW तक? जी, मर्सिडीज BM, ये सारा मर्सिडीज BM का माल लगा। तो यहाँ पे कस्टमर है मर्सिडीज BMW जी, बहुत ज्यादा। और कौन कौन सी गाड़ियों का भाई? हर गाड़ी का मिल जाएगा भाई। जना दिखाइए, ये चैम्बर का सलफ है, ये देखें। अच्छा। ये चैम्बर डब्बा जितने भी हैं। अच्छा, ये उनको लगेगा। ठीक है, तो ये कितने का है? ये आपको मिल जाएगा 5000। तो कंपनी के साथ वही वाला 3 महीने वेट करो, 40-50 हजार जी, वही चीज है। यार ये इतना सस्ता क्यों है यहाँ पे भाई? ये बाहर से माल आता है, इसलिए कंटेनर में, हमें तो स्क्रैप के वही आना ना ये चीज़। अच्छा, आप लोगों को स्क्रैप के रेट पे मिलता है? हाँ जी, बाहर से स्क्रैप के रेट पे आता है, जो ड्यूटी पड़ती है वही हमें देनी पड़ती है। और दिखाएं भाई जन, क्या क्या है? ये आपके पास ये जनरेटर सलम मिल जाएगा आपको, ये हर गाड़ी को लग जाता है, जनरेटर को लग जाएगा। हर गाड़ी को लग जाता जी? हर गाड़ी को लग जाता है। ये ऑल इन वन है जी? क्या ये दिखाएं, जरा दिखाएं। जो डीजल गाड़ी है ना, काफी गाड़ियों को लग जाएगा ये। डीजल गाड़ियों को लगता है? तो ये कितने का दे रहे हैं? ये आपको मिल जाएगा 8000। 8000 रुपए का? और वैसे मार्केट नया मंगवाना हो तो वही 70-80 हजार? जी जी, यही रेट है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ पे जैसे कोई चीज़ 10 हजार की है तो कंपनी वाले दे रहे हैं जी 90 हजार रुपए की, 1 लाख रुपए की, और कोई चीज़ यहाँ पे 5 हजार की है तो कंपनी वाले दे रहे हैं 40-50 हजार की, यानी तकरीबन 80-90% का फर्क है। ये वीगो डाले के जनरेटर है, प्राडो के जनरेटर है। ये वीगो डाले तो पाकिस्तान में बहुत हो गए सर जी, अब तो वीगो डाला ये सब गाड़ियों को लगेगा। ये हमारी खरीद अपनी ये तकरीबन 16 से 17 हजार रुपए की है। ये गाय को हम दे देते हैं 18 हजार, 19 हजार, 20 हजार तक दे देते हैं। वीगो डाले पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गए हैं, तो काफ़ी देखने में भी आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के पास वीगो डाले हैं। तो सर ये आप लोग रिपेयर करते हैं या आता ही ठीक है? ये बिल्कुल काबिल माल है। अच्छा, इनको हमने सिर्फ खोल के चेक करके गाय को देना है।
अगर ज़्यादा मसला हो तो हम खोल के सर्विस कर देते हैं, वो इसलिए कि क्योंकि ये बाहर से माल आता है, पानी वगैरह में पड़ा रहता है या जो भी है, जंग से ग्रीस वगैरह कर देते हैं, खोल के सर्विस कर देते हैं कार। अब ये जो लगे हुए हैं ये हमने सर्विस करके रखे हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि वहाँ से ख़राब आता है ठीक आता है या कोई आके जरूरत पड़ती है थोड़ा सा रिपेयर करने की, थोड़ा सा उसको ठीक ठाक करने की जरूरत पड़ती है? 100 में से तकरीबन है ना 20% हम उनको ठीक करते हैं, वरना बिल्कुल काबिली माल आता है हमारे। अच्छा, वैसे बिल्कुल काबिली आता है। और आप लोगों को पता कैसे लगता है ये गाड़ी, इस गाड़ी का, इस गाड़ी का, इस गाड़ी का? वो तो फिर हम शुरू से काम कर रहे हैं। देखने में सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ जी, देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं। हर गाड़ी की मुख्तलिफ चीज़ है। ये कोरे का सलफ है, इसकी फिटिंग अलहदा है। ये निसान का सलफ है, इसकी फिटिंग अलहदा है। ये किया का सलफ है। ठीक है, लिखा होता है? लिखा नहीं होता, ये अब तो इस ये नए मॉडलों में लिखा हुआ है, वरना हमें होजिंग देख के पता चल जाता और गा गा के बताता कि भाई ये वाली गाड़ी का सलफ। अच्छा, ऊपर लिखा नहीं होता लेकिन आपको अपने तजर्बे से पता लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका तजर्बा गलत हो गया हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रांड का आपने कोरे पे लगा दिया हो? ये जनरेटर है, ये होंडा वगैरह के जनरेटर है, कैमरी के जनरेटर है ये। ठीक है जी, ये होंडा के जनरेटर है ये। अच्छा, ये देखिए जी, ये बिल्कुल काबली है, ये जो काबली कंडीशन होती है इस तरह की होती है। अच्छा, और ये कोई 40 किलो का है? नहीं नहीं, ये 7-8 किलो का। देखिए 7-8 किलो का जी। मुझे लगता है मैं कमजोर हो गया। 7-8 किलो का काबली करके बेच रहे होते हैं, वो चाइना को काबली करके बेच रहे होते हैं, वो क्या है, पहचान क्या है? चाइना की चीज जो होती है ना वो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जो काबली चीज होती है उसकी अपनी कंडीशन बताती है कि काबली है। मैंने सुना है कि कई लोग चाइना का माल लेते हैं, दुकानदार चाइना का माल लेते हैं, उसको गंदा मंदा करके ऑयल के अंदर फेंक के उस पर मट्टी छट्टी डाल के उसको कहते हैं जी ये काबली है। नहीं नहीं, यहाँ बिलालगंज में नहीं होता, वो ज़्यादा बदामी बाग, मिनी रोड, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में या जहाँ पे ये इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं वो लेते हैं थोड़ा सा कि ये इस तरह देसी चीज़ को जानवन करके बेचे, लेकिन बिलालगंज में ये चीज़ नहीं है। बिलालगंज में इस तरह नहीं होता, बिलालगंज में जो कह दिया वो है, जो चाइना है वो चाइना करके बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा माल आते ही काबली है। बाहर जापान से माल आता है, कंटेनर आते हैं, दुबई में आते हैं, कराची में कंटेनर खुलते हैं हमारे। नहीं तो बॉस, इसका वो है, पहचान क्या है, कैसे पता लगता है? जी जो तो आपने लोया बता दिया कि वो लगता है ऐसे। ठीक है, कोई चाइना का पड़ा है आपके पास? ये काबली है, ये ओरिजिनल है। अच्छा जी, ये ओरिजिनल है जी। क्या शक्ल देख के पता लगता है? जी हाँ जी, ये देखें ना, आप खुद ही देखें कि उसके कैसे उसे पानी की मार पड़ी। अच्छा, ये तकरीबन सारे इस तरह आते हैं? जी इसी तरह आते हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पानी डाला हुआ नमक, नमकी समुद्री पानी था। ऐसे ही है ये, कंटेनर के माल आते हैं, ये कंटेनर खुलते हैं कराची पे। अच्छा, ये देखिए जी जो, अच्छा मुझे कोर्शिप चाहिए, जो जितना भी माल आता है वो सारा इसी तरह आता है गंदा मंदा? जी ऐसे ही आता है सारा माल, जो रैप हुआ वो साफ हो जाता है, वरना इसी तरह आता है पानी की नमी। अच्छा देखिए, इसमें फील हो रहा है कि जैसे समंदर का पानी ने इसको डैमेज किया हुआ है, तो इसको आप लोग साफ करते हैं, वॉश करते हैं, सर्विस करते हैं उसके बाद? ओके, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सर्विस किए बेहतर है। ये देखें जी मर्सिडीज का जनरेटर, ये देखें। और सर मर्सिडीज मेरान चीजा नहीं काबू आंदी है, ये कितने का सर? ये आपको मिलेगा तकरीबन 20-22 हज़ार तक भेज देते हैं। 20-22 हज़ार रुपये में? और वैसे किधर का मिलता है वो, कोई कंपनी से मंगवाया? कंपनी से ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। हमने एक बार ये मंगवाया था BMW का, उन्होंने 1,80,000 रुपये का खाली छोटा सा सेल्फ स्टार्टर दिया था। सर कितना बड़ा नाम है मर्सिडीज BMW, और वो टाइम भी देते हैं 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, ऐसे ही बात है। इम्पोर्ट का जी, इम्पोर्ट करवाना होता है और डॉलर्स में पेमेंट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए कितना सस्ता है, कितना अच्छा माल है, और ये गारंटी के साथ है कि कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, कोई चाइना नहीं है। और सर मुझे एक चीज़ चाहिए, इसमें कोई आप गारंटी देते हैं कि इतने साल चलेगा या क्या गारंटी देते हैं? नहीं, ये एक चीज़ है बिल्कुल काबिली है। ठीक है, ये एक बार चल गया इसने चलते रहना, जो चीज़ नहीं चलनी वो 5 मिनट में बता दे कि ये ख़राब है। अच्छा, गारंटी इस चीज़ की है कि ये ओरिजिनल है, काबिली है, और
ये भी कम गारंटी नहीं है, क्योंकि लोग कई लोग जैसे भाई ने भी बताया बदामी बाग में कई लोग करते हैं कि चाइना का लेके उसको गंदा मंदा करके उसको दो नंबर तरीके से बेच रहे हैं जी, ये काबिली है जो कि होता नहीं है। रोल क्या क्या है सर आपके पास? सारा पीछे बीएम मर्सिडीज का लगा, सारा पीछे बीएमडब्ल्यू का, बीएम फोन के जनरेटर है ये वाले। अच्छा, ये मेहरान वगैरह के जनरेटर है ये सारे, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी जनरेटर होते हैं जी, बिल्कुल, ये कोस्टर के सलफ हैं बड़े। काका जी माशाल्लाह तारा नाम, तुसी बुजुर्ग बंदे हो गए हो लेकिन नाम तारा माशाल्लाह साथ काका, मां पे तो काका ही है। हां जी, ते सर जी मैनूं ए दसो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀ। ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਸਾਧ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਧ ਕਾਕਾ ਸੈਲਫ ਸਰਵੇ ਵਾਲੇ। ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਾਹਰੇ ਗਿਆ ਤਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਧ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕਾਕਾ ਬਲਾਲਗੰਜ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 40-45 ਸਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ 55-60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, 55-57 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ? ਬਚਪਨ ਸੇ ਬਚਪਨ ਤੱਕ। ਤੋ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਉਸਤਾਦ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾੜੀ ਉਸਕਾ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਰ ਆਪਕੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਗਾੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਕਾਕਾ ਜੀ ਉਸਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਤੇ ਬੈਠੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ 87 ਸੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 87 ਸੇ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 37-38-40 ਸਾਲ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਮਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਜੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੇ ਨੁਕਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈਂ। ਉਹ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੀ ਵੋ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਲਾਲਗੰਜ ਮੇਂ 90% ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਤਾਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਇਨਕਾ ਕਭੀ ਵੀ ਇਨਹੋਨੇ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਸੱਚ ਬਤਾਤੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਕੋ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਯਾ ਫਰਾਡ ਵੋ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸਕਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਜਾਂ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੈਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ, ਵੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਨਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਰੱਖੇ? ਜ਼ੈਨ ਕਾਕਾ ਰੱਖੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ੈਨ ਕਾਕਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਕਾ ਸਾਥ ਜੁੜੇਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਹੀ ਵੋ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਕਾਕਾ ਸਾਥ ਜੁੜੇਗਾ ਤੋ ਜ਼ੈਨ ਵੋ ਜ਼ੈਨ ਹੋਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਕਾਕਾ ਆਗੇ ਉਨਕੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ੈਨ ਕਾਕਾ, ਆਜ ਸੇ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਜ਼ੈਨ ਕਾਕਾ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਲੋ ਉਸ ਤੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੁਝੇ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਕਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੁਬੁਰਜੀ, ਚੁਬੁਰਜੀ ਈਦਗਾਹ ਕੇ ਪਾਸ, ਈਦਗਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਸਰ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਈਏਗਾ, ਯੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ 37-38 ਸਾਲ ਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ? ਆਪਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਲ, ਬਲਕਿ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਤੋ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈ ਕਿਆ ਮੰਗਨੇ ਆਏ, ਇਤਨਾ ਪੱਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਮ ਲੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰੋ ਕੇ ਸਾਥ ਅਸਲ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋ ਯਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਜਿਸੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੋ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਰ ਯੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕੋ ਕਾਬਲੇ ਬਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਤੇ ਹੈ? ਸਰ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਤੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਕਾ ਕਾਮ ਚਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਨਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਾਕੇ ਕਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਇਸ ਕਾਮ ਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 37 ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੀ ਕਿਤਨਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਏ ਉਸਤਾਦ ਕਾਕੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ,
मैंने नहीं कभी ये चीज़ नहीं भी है, मैं कहता हूँ आप मंगवाएं, चेक करें उसको, आपकी तसल्ली है तो फिर ठीक है, वरना रहने। ये देखें बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका माल आउट ऑफ सिटी भी जाता है या विद इन लाहौर ही बेच रहे हैं? बहुत ज़्यादा, अभी ये मेहमान खड़े थे, ये इनके बैग पर हैं, ये रमजान खान से आए हैं। अच्छा, इन्होंने सामान लेके जाना है हमसे, और हम खुद भी पार्सल करवा देते हैं भाई, हर पार्सल करवा देते हैं, हर शहर में हमारा सियालकोट हर जगह पे माल जाता है, पूरे पाकिस्तान जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वेरी गुड, तो यहाँ पे वो दुकानदार भी आके लेके जाते हैं या कस्टमर लेते हैं? जी वहाँ से जो व्यापारी आए होते हैं वो सामान लेके जाते हैं, दुकानदार जी। देखा नाजरी, तो वो लोग यहाँ से आते हैं बिलालगंज, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ओल्ड स्पेयर पार्ट्स की गाड़ियों की, तो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से माल लेते हैं, अपने शहर में जाके अपना मार्जिन रख के बेच देते हैं। वहाँ पे क्योंकि दुकानें कम होती हैं, इसलिए वो अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा रखते हैं, मार्जिन भी ज़्यादा रखते हैं। तो सर आप के अगर रब्ता करना हो किसी ने, तो किस तरह रब्ता किया जा सकता है? जी मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वो बताइए ताकि कस्टमर ने किसी ने आपसे माल लेना हो तो वो आपसे रब्ता कर सके। 03044180406 ये आपका मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है मोबाइल। अच्छा जी, ये भाई ने व्हाट्सएप नंबर बताया है, आपने अगर माल लेना है तो उस प्रोसीजर क्या है? कुछ ने माल फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद से मंगवाना है आपके पास, प्रोसीजर क्या है? वो पहले आपको पैसे देगा, क्या करेगा, कैसे होगा? जी वो हमें जायज़ कैश करवाएंगे, फिर हम एडवांस, जी जो बाहर का गागा वो करवाता है, जो अपना कस्टमर है हमारा वो नहीं करवाएगा। अच्छा, वो हमें बाद में करवा देगा बस, माल मिलने के बाद जो नया उनकी टेंशन नहीं होती, अपने ताल्लुक बन जाता है ना। जो बाहर के कस्टमर हैं वो पहले पैसे जमा करवाते हैं, फिर हम उनको बिल्टी करवा देते हैं माल अड्डे, जो बिल्टी के पैसे वो देते हैं? जी वही देते हैं। अच्छा, बिल्टी के ज्यादा नहीं पड़ते, 200-250-300 पड़ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पड़ते पूरे पाकिस्तान में। जी ऐसे ही है। अच्छा, ये भी वैसे देखें जी बड़ा बड़ी बात है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी माल चले जाए आपको बिल्टी के पैसे पड़ेंगे, बहुत ज्यादा हुआ 300-400 पड़ जाएगा यार, 500 पड़ जाएगा, लेकिन माल की गारंटी कि माल ओरिजिनल है, काबिली है, दो नंबरी नहीं है, चाइना नहीं है, ये बड़ी बात है। ये भाई जो नया कस्टमर है, पुराने कस्टमर साथ उनके ताल्लुकात बने हुए हैं, दुकानदारों के साथ बने हुए हैं, जो नया कस्टमर है वो उनको पहले जैश कैश करवाएगा, आप इनकी तस्वीरें भेजेंगे उनको, जी आप इनकी तस्वीरें भेजेंगे वो आपको जैश कैश करवाएगा, डील डन होगी, तो फिर आप उसको बिल्टी करा देंगे। बिल्टी कितने दिनों में पहुंच जाती है वहाँ पे? अगले दिन पहुंच जाती है, सुबह रात को हमने जमा करवाई है, सुबह अड्डे पे होती है बिल्टी, वो कस्टमर को अड्डे से लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जैन भाई ने आपको प्रोसीजर भी बता दिया है कि बिल्टी किस तरह होती है, उसके चार्जेस आपने देने होते हैं, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि एक तो माल सस्ता और दूसरा जेन्युइन काबिली होगा, इसमें दो नंबरी नहीं होगी, चाइना का माल नहीं होगा। कोई इस तरह भी होता है होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे माल मंगवाया है, मुझे आपने तस्वीर भेजी है, मुझे तस्वीर में कुछ और लग रहा है, एक चीज़ ही कुछ और लग रही है, और जब मुझे मिले कुछ और लग रहा है, तो वो अगर आपको वापस करना चाहे तो वापस हो जाता है? जी भाई जान, हमारी दुकानदार ऐसे हैं कि ग्राहक चीज़ लेके गया, उसका काम नहीं हुआ, उसने कहा यार आके चीज़ नहीं है सही चली, हम उसे उसके पैसे दे देते हैं भाई, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं है ये ऐसे ही है आप उड़ा लाए जो भी है, कोई रोला तो नहीं पाते? नहीं नहीं भाई, पक्का अल्हम्दुलिल्लाह, देख ले जी शुक्र अल्लाह। बाज मैनू गाला कर रहे हो? नहीं नहीं भाई जी। अच्छा जी भाई की ये भी गारंटी है कि आपने कुछ चीज़ आपको पहुँच गई और आपको पसंद नहीं आई तो आप सेम टू सेम उसको वही चीज़ वापस करें, लगी हुई चीज़ वापस उतार के वापस दें, भाई आपको पैसे देंगे ऑन द स्पॉट। तो मेरा आपको मशवरा है कि नया माल खरीदने से बेहतर है कि आप लोग पुराना काबिली माल खरीदें, एक तो सस्ता और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जेन्युइन जेन्युइन चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। आप अगर कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने का टाइम देती है, वो फिर जाके आपको वो माल मिलता है, आपने पेमेंट भी डॉलर्स में करनी है। जैसे एक चीज़ यहाँ पे 20,000 की है, जैसे भाई ने भी बताया उन्होंने BMW का कोई पार्ट मंगवाया था, तो यहाँ पे 20,000 रुपये का कंपनी ने उनको 1,80,000 रुपये का दिया, वो भी 3 महीने के बाद। तो नाज़रीन मेरा आपको मशवरा है कि बिलालगंज का विज़िट लाजमी करें। ये आपकी शॉप का कोई नाम, कोई वो क्या नाम है, दुकान नंबर क्या है? जी हजवेरी आटो 196 नंबर दुकान है, उस्ताद काके की दुकान मशहूर है यहाँ। उस्ताद काका तो बहुत मशहूर बंदा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन आपने उस्ताद काका की दुकान नंबर 196 पे विज़िट करें, सेल्फ जनरेटर से रिलेटेड जो भी आपको पार्ट चाहिए और तमाम गाड़ियों को मिलेंगे, वो आपको मिलेगा गारंटी के साथ मिलेगा। तो नाज़रीन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान गुलफाम खान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।